एवरीवन, सो आज मैं अपना कंप्लीट करने वाली हूँ ये बुक, मतलब बेसिकली ये सेकंड पार्ट है। मुझे फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट करना है केमिस्ट्री का, क्योंकि अभी मेरा जो चैलेंज है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने थ्योरीज एंड ऑल सारी चीज़ कर ली थी, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए थे, बट इस बुक के मेरे रह गए हैं और अब मैं इसको कंप्लीट करूँगी। एंड मेरा टारगेट है कि मुझे 2 दिन में ये कंप्लीट करनी है, ये बुक भी एंड दूसरी बुक भी। देन फाइनली उसके बाद कुछ चीज़ ऐसी नहीं रह जाती है, यस 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 फिजिक्स रह जाता है, फिजिक्स को भी करेंगे। देन फिर हम स्टार्ट करेंगे सिर्फ डेली बेसिस पे टेस्ट 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 एंड रिवीजन। चलो स्टार्ट करते हैं। एंड सो बेसिकली ये जो मेरा टारगेट था ना, ये मेरा केमिस्ट्री के नोट्स के जस्ट बाद ही था। एंड मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों से शेयर भी किया था कि जब मैं ना अपने केमिस्ट्री के नोट्स कर रही थी, सो ये हुआ ये था कि मैंने ये सोचा था कि मैं विद इन ए वीक अपनी केमिस्ट्री को पूरी अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी। एंड देखो, सोचने को तो हम कुछ भी सोच लेते हैं, सोचने को तो हम ये भी सोच लेते हैं कि हम नीट एग्ज़ाम में 720 मार्क्स ले आएंगे या हम एम्स दिल्ली चले जाएंगे, बट जो चीज़ हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि वो होता है। तो जब मैं ये बुक करने बैठी, इनिशियली आई वॉज फीलिंग गुड कि हाँ चलो भाई अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, एंड थोड़ा जोश भी था। लेकिन जैसे जैसे हम क्लोज होते गए इस बुक को कंप्लीट करने के, और मैं एग्जॉस्ट होती गई धीरे धीरे। सो फिर मैंने जो अपना जो प्लान था ना कि मुझे फिजिक्स कंप्लीट करनी है, वो मैंने ड्रॉप कर दिया कि भाई नहीं, मुझे नहीं करनी है उसको। ना मैं अब रिविजन को डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करती जाऊँगी। एंड मैं आप लोगों को भी ये एडवाइस करूँगी कि अगर टारगेट रखो ना तो डेफिनेटली ऐसे मत रखना। एंड पता क्या है, ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने कोई चीज़ इस तरीके से प्लान की हो एंड फिर मैंने ना उसको वहीं पे ड्रॉप कर दिया हो। ऐसे तरीके से एग्जॉस्ट फर्स्ट टाइम हुआ था। सो मैं ना क्वेश्चन करते करते ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, और फिर ना मैंने ओपन किया अपना मेमोरी टैब एंड मैं यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगी। सो मेमोनीट में आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी मिल जाएगी, रिवीजन की बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं यहाँ पर, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, जंबल वर्ड्स हैं, ड्रैग्स एंड ड्रॉप वाले हैं, फ्लैश कार्ड हैं एंड फॉर्मूला रिवीजन सेक्शन है। बेसिकली हमें फॉर्मूला लर्न होने चाहिए कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। असर्शन रीजन भी है यहाँ पर, सो दैट आप प्रैक्टिस कर सके अच्छे से एग्जाम के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज हैं, ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन है एंड लेक्चर है। जैसे कि पर्टिकुलर आपका कोई टॉपिक वीक है ना, आप उसी की जाकर वीडियो लेक्चर देख लेना, जरूरी नहीं कि पूरा आप मतलब टॉपिक ही कवर करें। कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस भी हैं, पीवाईक्यूज भी हैं एंड टेस्ट सीरीज भी हैं। यहाँ पर जो न्यू अपडेट हुआ है ना, वो पॉडकास्ट है, मीम्स है, क्रॉसवर्ड है, पजल्स इन बायोलॉजी सेक्शन एंड ऑल्सो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी ना यहाँ पर बायोलॉजी है, क्योंकि बेसिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए नहीं होता। मैं ना आपको ना लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो काफ़ी चीज़ ना यहाँ पर फ्री भी हैं, तो आप जाकर वो भी देख लेना सो दैट आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। सो पढ़ते पढ़ते मुझे लगी थी बुक, सो मैंने सोचा कि ये मैं खा लेती हूँ, ये समथिंग बागर है, आई डोंट नो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलो कंटिन्यू करते हैं फिर से। तो पता है क्या है कि जब मैंने ये केमिस्ट्री स्टार्ट की थी ना, तो मुझे लग रहा था कि हाँ मैं नहीं कर पाऊँगी, बट फिर भी टुवर्ड्स दी एंड मैंने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया था। लाइक मैंने अपनी ऑर्गेनिक कंप्लीट कर ली थी, मैंने इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर ली थी ऑलमोस्ट, एंड ऑल्सो फिजिकल का भी कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। बट ना इसको करते करते ना लास्ट में आते आते मुझे ऐसा फील होने लगा कि भाई मैं अभी वॉमिट कर दूँगी। एंड फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं ये मैंने बहुत बहुत गंदा मैंने डिसीजन लिया था इस बार। ये ना ये है हमारी क्या चीज़, आप भी जानते हैं बायोलॉजी में ना इसका मतलब, इसको बोलते हैं वैसे तो मैं कोई बोलते हैं, मुझे इसका साइंटिफिक नेम ना कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किस को पता है। एंड काफ़ी अच्छी होती है ये हेल्थ के लिए, और जो मेरी मदर है ना वो मेरे लिए ये तोड़ कर लाती हैं क्योंकि मैं इसको बहुत शौक से खाती हूँ। अच्छा, तो अब आ जाते हैं एक पॉइंट पे। देखो अब फाइनली जो है ना हमारा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मतलब इतना क्लोज है ना कि ऐसा लग रहा है कि भाई आज हम झपकेंगे और फौरन एग्ज़ाम आ जाएगा, मतलब इतनी जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट ना हमारे दिन जा रहे हैं ना, तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैं ना यहाँ पर ये बोलूँगी कि अब कोई भी न्यू चीज़ मत करना, मतलब जो भी आपने पढ़ा है ना पूरे साल उसी चीज़ को ना रिविजन में मेनटेन करो। ऐसा नहीं है कि अब लास्ट मोमेंट पर आके ना आप इधर उधर भागो कि भाई वो टीचर करा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमें वो कर लेने चाहिए, या फिर ये टीचर करा रहे हैं तो हम इनका कर लेते हैं। ऐसा मत करना, जो आपने पूरे ईयर पढ़ा जिस टीचर का पढ़ा है ना उसी को रिवाइज करोगे
ना तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं पता क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आगे ना बच्चे पता यही करते हैं, क्या करते हैं, जैसे कि टीचर मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करके सीरीज स्टार्ट करते हैं, उनको देखने में ना अपना टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ ये बोलूँगी कि अपना टाइम सही से यूटिलाइज़ नहीं करते, क्योंकि जिस टाइम में ना उनको वो चीज़ रिवाइज करनी चाहिए जो पूरे ईयर की है, उस टाइम में वो लेक्चर देखते हैं जो बिल्कुल न्यू है, एंड अगर उसमें ना आप एक भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं ना तो सेल्फ डाउट ना आपके अंदर आ जाता है। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी कि कुछ भी न्यू कंटेंट मत पढ़ना, अब बस फोकस हो गया ना, अपने रिविजन को मेनटेन करो एंड जितना हो सकता है बार बार रिवाइज करो। सो ये मैं खा रही थी चॉकलेट, और ये चॉकलेट मतलब टॉफ़ी बोल सकते हैं, किशमी अगर आप लोगों को बताओ, मेरी तो बहुत फेवरेट है, क्योंकि ना मैं केमिस्ट्री करते करते एग्जॉस्ट हो गई थी, एंड ये देख सकते हैं मेरे पेंसिल का हाल ना बिल्कुल ऐसा हो रहा है ना जैसे इस वक्त माइंड का हो रहा है, पूरी तरीके से मतलब ख़राब। तो चलो मैं सोच रही थी कि चलो कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ, बट मेरा मन हुआ नहीं अब मैं नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा मैं ये टेस्ट दे लेती हूँ। सो ये टेस्ट कौन सा था, ये टेस्ट ना इनिशियल वाला था, लाइक फिजिक्स वाला पे मैं यकीन टू बैच में ना एनरोल हूँ, तो वहाँ पर ये टेस्ट हुए थे इनिशियली, और मैं अब ये सोच रही हूँ कि जितने भी मैंने पूरे ईयर टेस्ट दिए ना उनको मैं रिवाइज करूँ और अच्छे से मेनटेन करके चलूँ, कोई भी न्यू टेस्ट ना दूँ। तो मैं देख रही थी कि भाई ये मैंने जब दिया था ना, जब मेरी पूरी प्रिपरेशन भी नहीं थी, एंड अब तो मैंने सब चीज़ कर ली है, पी वाई क्यूज एंड डी पी सब चीज़ कम्प्लीट कर लिया, तो मैं सोच रही थी कि भाई देखते हैं तो अब कितना स्कोर आता है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई टेस्ट देकर उसका अपना स्कोर चेक करेंगे, तो हाँ अच्छा गया मेरा ये टेस्ट, एंड जो इस टेस्ट में ना मेरा स्कोर आया था वो आया था 675। आई नो लास्ट टेस्ट में भी 675 आया था, तो मैं इसमें ना इंडिविजुअल स्कोर बताती हूँ। मेरा जूलॉजी में ना 180 आया, बॉटनी में 160, केमिस्ट्री में 170 एंड फिजिक्स में 165, तो टोटल 675 मेरा स्कोर गया। तो पता है स्कोर को शेयर करने का रीज़न ये नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करना चाहती हूँ, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो चीज़ आपने पूरे साल पढ़ी है ना बस उन्हीं को रिवाइज करो, मे बी एग्ज़ाम में भी आपकी वही चीज़ आ जाए ना, और फिर वहाँ पर भी आपका इसी तरीके से अच्छा स्कोर आ जाए। तो ट्राई करना कि न्यू चीज़ पर ना इस वक्त फोकस मत करना, जो चीज़ पूरे साल करी है वो करो। एंड यहाँ मैं पढ़ते पढ़ते थक गई थी, एंड आप देख सकते हैं कि कितना एग्जॉस्ट फील कर रही थी। एंड पता है उसके साथ एक चीज़ आपको दिखाती हूँ कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा होता है या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, ये फिंगर है ना बिल्कुल ऐसी हो गई है ना, बिल्कुल क्या बोले, जैसे कि इतना जख्म मतलब इतनी ऐसे दुखने लगी है पढ़ते पढ़ते। तो चलो कोई नहीं, ये तो होता रहता है, एंड एग्ज़ाम को भी अब ज़्यादा दिन नहीं है, और बस इस बार बस हो जाए सिलेक्शन, सो दैट इस फेज से थोड़ा सा मूव ऑन करें एंड लाइफ में कुछ और अच्छा अचीव करें। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, टिल देन बाय एवरीवन।